झूले की आवाज, इतनी रात कौन हो सकता है? मैंने मना किया था ना यहाँ आने से। इतनी रात गए तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मुझसे इतनी ऊंची आवाज में बात मत करो, मुझे ये बिल्कुल पसंद नहीं। कल तुमने मेरी बेइज्जती की और मुझसे अपनी बेइज्जती सहन नहीं होती। पागल हो क्या? कल तुम्हें मना करने के बाद भी तुम यहाँ आ गए। अब चुपचाप यहाँ से चले जाओ, वरना तुम्हें कल की तरह मार मार के यहाँ से बाहर भगा दूंगा। कल उन लोगों के सामने मैंने तुम्हें कुछ नहीं कहा था, पर आज मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, क्योंकि कोई मुझे ऊंची आवाज में बात करे ये मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। अच्छा, अब मैं तुम्हें बताता हूँ मुझे क्या पसंद है। भागते हो कि नहीं? मैंने तुम्हें एक बार कहा ना, मुझे ऐसे लोग बिल्कुल पसंद नहीं जो मेरी बेइज्जती करते हैं।
How come you are here, my son? This is not a playground. ये चर्च है। मैं जानता हूँ फादर, मुझे आपसे कुछ कन्फेस करना है। कन्फेस? अभी तुम इतने बड़े नहीं हुए हो कि तुम्हें कुछ कन्फेस करना पड़े। हा? अगर तुमसे कोई गलती हो भी गई तो गॉड तुम्हें माफ कर देंगे, क्योंकि तुम अभी बच्चे हो। नो फादर, मैं ऐसा नहीं मानता। क्यों? तुम ऐसा क्यों नहीं मानती? क्योंकि ऐसा भी हो सकता है कि एक मासूम बच्चे में भगवान नहीं, शैतान छुपा हुआ हो। ये तुमसे किसने कहा? पहले आप मुझसे प्रॉमिस कीजिए कि जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ आप वह किसी से नहीं कहेंगे। प्रॉमिस, मैं किसी से कुछ नहीं कहूँगा। कल रात आपने फैंटेसी लैंड के गेट कीपर के मरने की न्यूज तो सुनी होगी। यस, उसे किसी ने जला कर मार डाला। किसी ने नहीं, मैंने उसे मारा था। आई किल्ड हिम फादर, आई किल्ड हिम। तुमने उसे मार डाला, लेकिन क्यों? क्योंकि उसने सब लोगों के सामने मेरी बेइज्जती की, और जो लोग मेरी बेइज्जती करते हैं मैं उन्हें जिंदा नहीं छोड़ता। What? ये क्या मजाक है? ये मजाक नहीं है, ये सच है फादर, ये सच है। क्या तुमने ये बात अपने मम्मी पापा को बताई? नहीं, सिर्फ आपको बताई है। तुम मुझे अपने पापा का नंबर बताओ। फादर, आपने मुझसे प्रॉमिस किया था कि आप मेरी बात किसी से नहीं कहेंगे, और आप अपना प्रॉमिस तोड़ रहे हैं। लेकिन तुमने जो गुनाह किया है वो कोई छोटा गुनाह नहीं है माय सन। फादर, बताओ तुम्हारे पापा का नाम क्या है, तुम्हारे पापा का नंबर क्या है? अगर तुम नहीं बताओगे तो मजबूरन मुझे पुलिस को बुलाना पड़ेगा। फादर, मुझे ऐसे लोग बिल्कुल पसंद नहीं है जो पहले वादा करते हैं और फिर उसे नहीं निभाते। यू आर ब्रेकिंग योर प्रॉमिस फादर, यू आर ब्रेकिंग योर प्रॉमिस। कौन हो तुम? यहाँ क्या कर रहे हो? ये गॉड का घर है।
आई डोंट नो। ये क्या हुआ देखो। हाँ आलिया। रणवीर कहाँ हो तुम? मैं यहाँ डॉकयार्ड में हूँ, बोलो क्या हुआ? फॉरन सेंट पॉल्स चर्च पहुँच जाओ, यहाँ पे सीनियर फादर क्रिस्टो का मर्डर हुआ है। व्हाट? ठीक है मैं अभी पहुँचता हूँ, तुम लोग यहाँ पर तहकीकात करो, मैं अभी आ रहा हूँ। रणवीर, मौत जलने से हुई है लेकिन जलाने का तरीका समझ में नहीं आया। पूरे यकीन से कह रही है कि जब चीख सुनने के बाद आप यहाँ आई तो फादर डिकोना के सिवा यहाँ पर कोई नहीं था और लाश इसी जगह पर थी? हाँ, जब मैंने तेज चीख सुनी तब मैं अपने साथी टीचर्स के साथ भागते हुए यहाँ पहुँची तो मैंने देखा कि फादर डिकोना घबराए हुए लाश के पास खड़े थे, लेकिन फिर चुपचाप अचानक वो बाहर चले गए। मैं आपसे कुछ सवाल करना चाहता हूँ, लेकिन मेरे सवालों का जवाब देने से पहले ठीक से सोच लीजिएगा। जी पूछिए। फादर क्रिस्टो की मौत के बाद फादर डिकोना इस चर्च के हेड प्रीस्ट बनने वाले थे, क्या आप मुझे बता सकते हैं कि उन दोनों के बीच में कैसे संबंध है? जी ये तो मैं नहीं जानती। मैं बताती हूँ, फादर क्रिस्टो और फादर डिकोना के विचार आपस में बिल्कुल नहीं मिलते थे। फादर क्रिस्टो अंधविश्वास पर बिल्कुल यकीन नहीं करते थे, जबकि फादर डिकोना वो उन सभी बातों पर यकीन करते थे, इसलिए अक्सर उन दोनों में बहस हुआ करती थी। क्या ये सच है टीचर? हाँ ये सच है, मैंने भी फादर डिकोना को उनसे बहस करते हुए कई बार देखा था। वो दोनों एक दूसरे को बिल्कुल पसंद नहीं करते थे और इसलिए हमेशा एक दूसरे को नीचा दिखाने की कोशिश में लगे रहते थे। फादर क्रिस्टो का मानना था कि चर्च को अंधविश्वासों में बिल्कुल यकीन नहीं करना चाहिए, जबकि फादर डिकोना चर्च में प्रार्थना करने आए सभी लोगों में अंधविश्वास फैलाते रहते थे, इसलिए फादर क्रिस्टो उनसे नाराज रहते थे। यानी उन दोनों के बीच में तनाव रहता था। वेल थैंक यू टीचर्स, थैंक यू वेरी मच। चलो आलिया। रणवीर मुझे लगता है फादर क्रिस्टो की मौत बिजली का करंट लगने से हुई है। नहीं आलिया, फादर क्रिस्टो की मौत की वजह बिजली का करंट नहीं बल्कि कुछ और है। कुछ और? मैं समझी नहीं। अगर फादर क्रिस्टो की मौत बिजली की करंट की वजह से हुई होती तो उनकी बॉडी की हालत ये नहीं होती। ये मसला कुछ और है। मसला कुछ और है? रणवीर, फादर क्रिस्टो की मौत अगर इलेक्ट्रिक शॉक के कारण नहीं हुई तो फिर कैसे हुई? जैसे माइक्रोवेव में खाना भुन जाता है, रोस्ट हो जाता है, लेकिन उस प्लेट को कुछ नहीं होता जिसमें वो रखा गया है। रणवीर तुम ये कैसी अजीब बात कर रहे हो? आलिया, आग में किसी चीज को भुनना और माइक्रोवेव में भुनने का फर्क सिर्फ यही है कि आग बाहर से जलाती है और माइक्रोवेव अंदर से, और फादर क्रिस्टो की बॉडी के साथ भी यही हुआ है। तुम्हारा मतलब ये वाटर पार्क के गेटकीपर के साथ जो हत्या हुई थी? Exactly. You mean to say, पायरोजेनिक की हरकत है? हाँ आलिया, पहले मुझे शक था लेकिन अब यकीन हो गया।
कि फादर क्रिस्टो की मौत पायरोकिनेसिस का केस है। हमें फादर डिकुना से फौरन मिलना होगा। राइट, कम ऑन, लेट्स गो। रणवीर, फादर डिकुना। एक्सक्यूज मी फादर। हेलो फादर। हेलो। हेलो फादर। हेलो माय सन। फादर, मेरा नाम रणबीर है, ऑफिसर ऑन स्पेशल ड्यूटी, और ये मेरी कोलीग आलिया है। कहिए, हाउ कैन आई हेल्प यू? फादर, आपके हेड प्रीस्ट फादर क्रिस्टो की हत्या हो गई है, और उनकी डेड बॉडी के पास सबसे पहले आप थे, फिर अचानक उन्हें छोड़कर आप कहाँ चले गए? फादर, आप इतना रिलैक्स कैसे दिखाई दे रहे हैं? जबकि सारा स्कूल और सोसाइटी यह खबर सुनकर शॉक्ड रह गई। माय सन, जब भी किसी की मौत आती है तो उसे कोई रोक नहीं सकता। एक दिन गॉड सभी को अपने घर बुला लेता है। हम सबको वहीं जाना है जहां पर फादर क्रिस्टो गए हैं। माय सन, मुझे भी फादर क्रिस्टो की मौत का बड़ा अफसोस है, पर क्या कर सकते हैं, होने को कौन टाल सकता है। लेकिन फादर, जिस तरह फादर क्रिस्टो की डेथ हुई है वो नेचुरल नहीं है, उनका मर्डर हुआ है, क्या आपको ऐसा नहीं लगता? Yes, my child. उनकी डेड बॉडी देखने के बाद मुझे भी कुछ ऐसा ही महसूस हुआ था। फादर, आपको देखकर ऐसा नहीं लगता कि फादर क्रिस्टो की हत्या के बाद आपको कोई दुख हुआ है? आप तो अपना दिन का सारा काम ऐसे कर रहे हैं जैसे कि कुछ हुआ ही नहीं। तो क्या मैं अपनी ड्यूटी भूल जाऊं? माय सन, आप नहीं जानते कि फादर क्रिस्टो की मौत के बाद इस चर्च की सारी जिम्मेदारियां मेरे कंधों पर आ गई हैं। अब सिर्फ मैं ही इस चर्च का इंचार्ज हूं। यही सब जानकर तो मैं आपसे सवाल कर रहा हूं। फादर क्रिस्टो की जलने से मौत हुई है और आप वहां मौजूद थे। आपके सिवा वहां और कोई नहीं था, इसलिए सिर्फ आप ही जानते हैं कि वहां क्या हुआ होगा। तो क्या आप मुझ पर शक कर रहे हैं? आप ये सोच रहे हैं कि फादर क्रिस्टो की मौत का जिम्मेदार मैं हूं? मैंने उन्हें जलाया है। हाँ, और नहीं भी, क्योंकि मुझे पता चला कि आप दोनों के बीच में अनबन थी। सिर्फ आप ही एक शख्स हैं जिन्हें फादर क्रिस्टो की मौत के बाद सबसे ज्यादा फायदा होने वाला था। सारे आई विटनेस भी आप ही की तरफ पॉइंट करते हैं कि उनकी डेथ के बाद उनकी बॉडी के पास सिर्फ आप ही मिले थे। क्या आप बता सकते हैं कि आप उनकी डेड बॉडी के पास क्या कर रहे थे? मैं पहले से वहां मौजूद नहीं था। जब मैंने एक चीख सुनी तब वहां भाग कर गया। चीख? किसकी चीख थी वो फादर? क्या आप हमें बता सकते हैं? जी, फादर क्रिस्टो की चीख थी। जब मैंने चीख सुनी तो मुझे ऐसा लगा कि फादर क्रिस्टो को मेरी जरूरत है। मैं वहां भाग कर गया। तब वहां मैंने एक बच्चे को निकलते हुए देखा। बच्चा? जी। कौन बच्चा? हमारे स्कूल का स्टूडेंट है, राहुल मल्होत्रा। क्या आपके कहने का मतलब है कि इस बच्चे का कुछ लेना देना है उस मर्डर से? जी नहीं, वो 12 साल का छोटा सा मासूम सा बच्चा है। एक्सक्यूज मी, मेरे प्रेयर्स का वक्त हो गया है। गॉड ब्लेस यू बोथ। सो व्हाट डू यू थिंक? ये तो बच्चे से मिलने के बाद ही पता चलेगा।